रामपुर के बैंठारी गांव से रेत खनन करके यूपी में भेजने का मामला सामने आया, जिसमें लॉकडाउन में हो रहे रेत के परिवहन का गांव के सरपंच ने विरोध किया है, जबकि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने अंतर्राज्य रेत परिवहन को लेकर जिला प्रशासन पर ठेकेदार से मिलीभगत का आरोप लगाया है। दरअसल प्रदेश सरकार की नई खनिज नीति के तहत जिले के मैंठारी गांव में बिलासपुर पेंजा के दिलीप कंस्ट्रक्शन को रेत उत्खनन का टेंडर जारी किया गया है, लेकिन ठेकेदार कंपनी ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यूपी तक रेत का परिवहन कर डाला और अब देखना होगा कि जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। जा रहा है मंडारी से यूपी आ रहा है, गुंडागी करते हैं, इसको भाई तोड़ देते हैं, अकेले क्या करें। बकुलपुर के कोई ठेकेदार का टेंडर हुआ है और चर्चा ये भी है कि उत्खनन कर रहे हैं, लेकिन कई तरह के नियम विरुद्ध भी कार्रवाई उनके द्वारा किया जाए। जानकारी जैसे अभी हम लोग को मिला है तो हम लोग भी जिला प्रशासन से चर्चा करते हैं, बात करेंगे। और मामला है, अब बाहर के लोग ना आ सकते, ना जा सकते, शासन कैसा निर्देश है, लेकिन अब बालू आ रहा है, बाहर की गाड़ियाँ आ रही हैं, कैसे जा रहा है ये समझ से परे है। लॉन अनुमति नहीं दी गई है, उनको स्थानीय खनन और स्थानीय बिक्री करने की अनुमति है, इसलिए हम लोगों ने इसको अनुमति इंटरस्टेट का भी परमिशन दिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप उपाध्याय फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुदीप, जो रेत का अवैध कारोबार चल रहा है उसमें जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं लिप्त है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। जब आपने तहकीकात की पूरे मामले की तो कितनी सच्चाई ऐसे आरोपों पर सामने आई? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश में रेत का टेंडर किया गया था, जिसके तहत दो टेंडर हमारे जिले में भी हुई थी। टेंडर के बाद ये ठेकेदार अवैध तरीके से ओवरलोड ट्रकों को छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश की ओर लेकर जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस पर कई बार समाचार भी प्रकाशित किया गया है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन या स्थानीय विकासखंड के अधिकारियों द्वारा कोई पहल नहीं किया गया है। जी, लेकिन इसको लेकर के शिकायत तो बहुत आई होंगी, लिहाजा अधिकारी इस पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं? जी, मैं आपको आज बताना चाहूंगा, आज सुबह लगभग 10 बजे वाटर नगर के एसडीएम कार्यालय में कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण आए थे, जो मांग कर रहे थे कि अवैध रूप से उत्खनन जो हो रहा है उसको बंद किया जाए। देश की स्थिति विपरीत है, अभी कोरोना का संक्रमण चूंकि फैलने का डर है, बाहर से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके तहत कार्य को बंद कराया जाए, जिसकी मांग को लेकर काफी संख्या में ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे हुए थे। अधिकारियों पर आरोप लगाने वाली बात की अगर बात कर ली जाए तो ऐसे में कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है, वो इस तरीके के लगातार आरोप लगा रही है। जी, इस संबंध में हमारे विकासखंड के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बताया था कि हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, अगर ऐसा अवैध काम चल रहा है तो जिला प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, और अभी तक कोई कार्रवाई जिला प्रशासन ने नहीं किया है। जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों से आपने बातचीत करने की कोशिश की सुदीप? जी, इस विषय में हमसे हमारे माइनिंग के जो अधिकारी हैं शर्मा जी थे, उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया भी था कि कुछ ठेकेदार जो है इतनी स्पीड में गाड़ियां ट्रक जो है पार कर देती हैं कि कई बार बैरिकेड भी टूट जाया करती हैं, जिसकी शिकायत उनसे अधिकारियों तक किए हैं। जी, गौरतलब बात यहाँ पर यह भी है कि कलेक्टर साहब ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं, तो जांच के शोर अब तक रुख कर चुकी है। अभी तक जांच का आदेश चूंकि आज दिए होंगे तो इससे पहले कोई जांच का आदेश नहीं दिया गया है, अगर आज दिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लोगों में कम से कम भय का वातावरण जो है उससे मुक्त हो जाएंगे लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुदीप। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।